जी, मेरा सवाल यह है कि दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बहुत सारी बताई जाती है, मतलब टाइम भी बताया गया है, तो जो सुबह शाम 10-10 बार पढ़ने के बारे में बताया गया, तो क्या वो पढ़ना सही है क्या? देखिए, सुबह और शाम के जो अजकार हैं, बहुत सारे अजकार हैं जिनमें दरूद का भी जिक्र आया है, लेकिन सुबह शाम वाले अजकार में जो दरूद का मसला है, उस हदीस को कई सारे उलमा ने, मुझे याद पड़ता है शायद गालिबन शेख अल्बानी रहमहुल्ला ने भी उसको ज़ईफ करार दिया है। तो अगर वो हदीस साबित नहीं है सुबह शाम के अजकार में, तो सुबह शाम के अजकार में उसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो दरूद की फजीलत है वो अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन सुबह शाम के अजकार ये एक खास मसला है, तो उसमें जी उसको जी हम साबित नहीं मानेंगे अगर वो हदीस साबित नहीं है तो।